तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, और मैंने आपको बताया हेनरी फ्योल वाज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर, ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे एंड हिज फर्म वाज गोइंग टू बी बैंकरप्ट, उनकी जो फर्म थी वो बैंकरप्ट होने जा रही थी, ये देखो ये रहा यहाँ पर। तो उनको क्या किया गया, फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, डूबते को तिनके का सहारा, उनको बोला भैया आप मैनेज करो, आप पुराने हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको 28 साल का एक्सपीरियंस है, देखो आप यहाँ पे ये लिखा है 1860 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, है ना, तो ये यहाँ 1988 लिखा है ना, ये गलत लिखा है, ये 1888 है, ये क्या है आपका 1888। तो उनको 28 साल के बाद बताया कि आप सबसे सीनियर हैं तो आपको इसको मैनेज करना है। तो हेनरी फ्योल ने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से, विदाउट यूजिंग एनी साइंस और विदाउट यूजिंग हिज साइंटिफिक बैकग्राउंड, उसने सिर्फ अपने संस्कारों का, अपने बिहेवियर का, अपने माइंड का यूज़ किया और उस फर्म को जो बैंकरप्ट होने जा रही थी उसको उसने चेंज कर दिया और उसको बना दिया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी, उसने क्या किया अपनी कंपनी का सारा भाग्य बदल दिया और कंपनी क्या बन गई आपकी एकदम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इसीलिए इनको जाना गया फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से, क्योंकि पहले आप मैनेजमेंट जो किया वो हेनरी फ्योल ने ही किया। अब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, जो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हालांकि फ्रेंच में लिखी थी, अब उसका नाम चेंज करके इंग्लिश में वो पब्लिश कर दी गई, ट्रांसलेट कर दी गई। तो जो पहली बुक थी या पहली नॉन लिटरेचर है मैनेजमेंट के ऊपर वो है हेनरी फ्योल की बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पर उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से कि मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरी फर्म को ये फ़ायदा हुआ। अब जो जो उन्होंने किया, जो गाइडलाइन थी, उनका बिहेवियर था, उनको उन्होंने एक नाम दे दिया, एक जार्गन यूज कर लिया उसके लिए, उन जार्गन्स को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि ये प्रिंसिपल कैसे बने, ये हेनरी फ्योल की प्रैक्टिस से ही बने, उसने अपने प्रिंसिपल बनाए अपनी प्रैक्टिस से, और जब उसने देखा कि इनको सफलता मिली है तब उन्होंने आपको बोला कि आप इनको यूज़ करो, जब उसने अपनी फैक्ट्री का या अपनी फर्म का पूरा बैकग्राउंड चेंज करके प्रॉफिटेबल बना दिया उसको, तब उन्होंने कहा कि यू यूज़ दीज प्रिंसिपल्स बिकॉज आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम देम, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या था प्रैक्टिस का। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर थ्री हमारा, सॉरी सेकंड पॉइंट नंबर टू पे आते हैं अब, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे प्रिंसिपल एक लाइन में आ जाते हैं, हालांकि यह बहुत बड़ा लिखा हुआ है आपके सामने। फ्योल ने बोला अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर, यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलते हैं और साथ साथ चलने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर गिविंग और असाइनिंग सम अथॉरिटी टू सम पर्सन, यू आल्सो हैव टू असाइन एट द सेम टाइम द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द टास्क और टू डू द टास्क विद द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी। जब भी आप किसी को कोई अधिकार देंगे तो आपको साथ में उत्तरदायित्व देना जरूरी है, अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन यू गिव द पावर टू टेक डिसीजन यू हैव आल्सो बी हैव टू बिल्ड सम ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन। एग्जाम्पल मैं सर क्या लेता हूँ कि मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, मैंने बोला अपने स्टूडेंट्स को कि काम करो पार्टी कर लो, लो 500 रुपये ले जाओ पार्टी कर लो। अब उसने पॉसिबिलिटी क्या है, वो 500 रुपये आपस में बांट लेंगे, पार्टी नहीं करेंगे या पार्टी मुझे इन्वाइट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनको अथॉरिटी दे दी या मैंने उनको पैसे दे दिए, है ना। अब वो मर्जी उस मर्जी करे। इसका उल्टा मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स को कि ये काम करो आप पार्टी कर लो, इस बार मैंने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन मैंने उनको इस बार पैसे नहीं दिए। तो मैंने उनसे पूछा पार्टी हो गई, वो कहते हैं सर पार्टी कहाँ हो गई, पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो अगर आप खाली अधिकार दे दोगे तो उत्तरदायित्व भी आपको देना पड़ेगा, वरना वो काम होगा नहीं, और खाली उत्तरदायित्व दे दोगे तो लोग अधिकार नहीं होगा तो काम कराएंगे कैसे। देयर फोर दे गो हैंड इन हैंड लिखा हुआ है कि साथ साथ चलते हैं, आपको अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों बांटने हैं और समान बांटने हैं, ना कम और ना ज्यादा, देर मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। देर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी एंड अथॉरिटी कैन बी मिस यूज विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब आगे चलते हैं, डिसिप्लिन पे चलते हैं इसके बाद। डिसिप्लिन ये आप लोगों को पता है डिसिप्लिन क्या होता है, यू हैव टू ओबे द रूल एंड रेगुलेशन, जो रूल्स और रेगुलेशन है आपको वो मानने चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हो या आपके फैमिली में किसी ने बनाए हो या आपके फ्रेंड्स ने बनाए हो, बिकॉज रूल्स आर रूल्स, दे आर नॉट मीन टू बी ब्रेकन। अगर आपने रूल तोड़े तो नुकसान भी आपका होगा, रेड लाइट जंप कर दी तो प्रॉब्लम आपको होगी, या तो चालान कट जाएगा या कोई सामने से आपको उड़ा देगा, या आप किसी को उड़ा दोगे तो जेल पहुंच जाओगे, है ना। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन है तो सारा काम अच्छा होता है, अगर एक भी इंसान अगर डिसिप्लिन तोड़ दे तो फिर काम सारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। और कल हम बात कर रहे थे किसकी,
डायरेक्टर की, तो सुपरविजन का जो बात आ रही थी देखो यहाँ पर आ गई वो, ठीक है। इट रिक्वायर्स सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, कि आपको सुपरविजन करना होगा ये देखने के लिए कि डिसिप्लिन है या नहीं है। आपको पेनल्टी एनफोर्स करनी पड़ेगी, आपको लोगों को सजा देनी पड़ेगी, थोड़ा आपको बैड बनना पड़ेगा, थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ेगी, वरना रूल, लोग कहते हैं रूल्स आर मीन टू बी ब्रोकन ब्रोकन, लोग कह देते हैं कि रूल तो बनते तोड़ने के लिए है ना, तो यहाँ पर उसको ध्यान रखना है। फिर लास्ट पे अभी आ रहा हूँ मैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी समवन एंड ओनली वन पर्सन हु इज गिविंग ऑर्डर टू यू। जब हम कल बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग की, कि अथॉरिटी, ओ सॉरी, वो किसके पास है, सीनियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, जब हम बात कर रहे थे अधिकारी कौन है और अधीनस्थ कौन है, तब हम इसकी बात कर रहे थे यूनिटी ऑफ कमांड की, कि वो हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि अब कमांड मिलेगी। जो बॉस है वो जूनियर को, जूनियर को या सीनियर जो है वो जूनियर को बोलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसा ना हो कि एक आदमी के दो बॉस हो जाएं, यानी कि दो लोग उसको बोले, एक बोले ऐसा कर ले, दूसरा बोले वैसा कर ले। तो घर में होता है पापा कहता है ऐसा कर लो, मम्मी कहती है वैसा कर लो, ना पापा की बात मानते ना मम्मी की बात मानते, है ना, क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है घर के अंदर, है ना, या कंफ्लिक्ट हो जाएगा, पापा की बात मानोगे तो मम्मी लड़ेंगी, मम्मी की बात मानोगे पापा लड़ेंगे, ऐसा तो होता होगा ना, ये सब होते ही है इसके अंदर। तो यूनिट ऑफ कमांड क्या बोलती है? देर मस्ट बी ओनली वन सीनियर एंड द सबॉर्डिनेट और वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का एक बॉस होना चाहिए, ये बात हमने क्लास में भी की थी। अब हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। अभी हमने बात की थी यूनिटी ऑफ कमांड की, वहां मैंने आपको बताया था देर मस्ट ओनली बी अ वन बॉस ऑफ वन जूनियर, और आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये रहा सुपीरियर वन और सबॉर्डिनेट वन, मतलब एक सुपीरियर है और एक सबॉर्डिनेट है। अगर ऐसा है तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। इसका उल्टा यहाँ देखिए, सबॉर्डिनेट तो एक है और उसके सीनियर वन है, टू है, थ्री है, जो ऑर्डर दे रहे हैं तीन लोग दे रहे हैं। जैसे घर पे होता है बड़ा भाई, बड़ी बहन, पापा, मम्मी, सभी ऑर्डर देते रहते हैं आपको, आप बोलते हो तो पागल हो गया, कंफ्यूज हो गया, समझ रहा, वो पागल में आते रहते हैं, कोई कहता है ये कर दे, कोई कहता है वो कर दे, है ना। जब ऐसा हो रहा है तो कन्फ्यूजन होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा और काम अच्छे से नहीं होगा। और जब ये होगा, ये है यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस एक जूनियर, है ना, तो एक जूनियर को एक बॉस से ऑर्डर मिले, ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। अब हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक बात पर डिपेंड करता है। तो इन यूनिटी ऑफ कमांड वी वर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज डीलिंग विद सम वर्क शुड हैव वन बॉस, वाइल इन यूनिट ऑफ डायरेक्शन वी टॉक अबाउट एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम फंक्शन कर रहे हैं किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन फंक्शंस का हेड जो उनका बॉस होगा वो एक होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे हम बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग एक एक्टिविटी है, क्रिकेट मैच के अंदर बैटिंग होती है, बॉलिंग भी होती है, फील्डिंग भी होती है, तो बॉलिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ये तीनों एक्टिविटी अलग अलग है। अब इसके लिए अगर हम एक ही कोच बना दें तो जो हमारी क्वालिटी है, अगर हमारी टीम में बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है और फील्डिंग भी है, हम तीनों काम करते हैं, तीनों अलग अलग एक्टिविटी हैं, अगर उनका जो हमने हेड एक ही बना दिया, हम बना सकते हैं, तो क्या होगा, उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। इसीलिए आजकल बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच अलग अलग होने लगे हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, जब ऐसा होगा तो फिर से वो बात आ जाएगी इसकी, कि स्पेशलाइजेशन होगा, और साथ में जब एक एक्टिविटी पे एक आदमी फोकस करेगा तो वो चाहेगा कि मेरा काम बहुत बढ़िया हो जाए, यानी कि बैटिंग बहुत अच्छी हो जाए, फील्डिंग बहुत अच्छी हो जाए या बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाए। और इसकी जगह अगर एक ही कोच होता तो क्या होता, वो कहता कि चल ठीक है ये बैटिंग नहीं कर रहा ये बॉलिंग कर ले, अच्छा ये बॉलिंग नहीं कर रहा ये फील्डिंग अच्छी कर ले, तब ऐसा हो जाता। तो अब यहाँ पर क्या है, हर एक्टिविटी पे फोकस हो गया, अब इसमें क्या है, हर एक्टिविटी पे फोकस हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जिस एक्टिविटी आप फोकस करोगे उसमें वो स्पेशलाइज करेगा, जो हेड है उसका, जब उसमें स्पेशलाइज करेगा तो उसकी एफिशिएंसी आगे आगे बढ़ती जाएगी। अगर एक आदमी सारे काम करेगा तो काम खराब हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, वन हेड वन प्लान, यानी कि एक प्लान या एक एक्टिविटी का एक हेड होना चाहिए, बहुत सारे एक बॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ गई होगी कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। तो मैंने पहले आपको बताया यूनिटी ऑफ कमांड डील्स विद द पर्सन, वेयर एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डील्स विद द एक्टिविटी। बाकी तो सेम है कि एक पर्सन का एक बॉस होना चाहिए, ऐसे ही एक एक्टिविटी का भी एक बॉस होना चाहिए। अब हम एग्जाम में इसका डिफरेंस आ जाता है तो एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारा आ गया डिफरेंस यूनिटी ऑफ कमांड में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। पहले तो क्या लिखा है मीनिंग के अंदर, वन शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस ओनली, तो ये क्या है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है।
अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव कॉमन बॉस, है ना। तो यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। दोनों का मीनिंग आ गया, बताया हमारे को। स्कोप, द प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल, जो मैंने आपको बताया कि जब हम बात कर रहे हैं पर्सन की, इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। और जब हम बात कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट की या किसी एक्टिविटी की, तो हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं पर्पज क्या है। मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, यहाँ पर कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है, एंड फिक्स अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है। वेयर एज इन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। मेन बात यहाँ पर है स्पेशलाइजेशन की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिपार्टमेंट है वो स्पेशलाइज करे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सिस्टमेटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन एंड काओटिक कंडीशन, जो मैंने आपको बताया। घर में बहुत सारे लोग हमें ऑर्डर देते रहते हैं, जब ऐसा होगा तो कन्फ्यूजन होगा, काओस होगा, काम नहीं होगा। शादी ब्याह में तो खासकर यही काम होता रहता है, वहाँ पर एक ही काम को चाचा लोग ऑर्डर दे देंगे, कर देंगे, और बड़ी समस्या आ जाती है फिर उसके बाद। तो कन्फ्यूजन एंड काओस हो जाता है उसके अंदर, कहाँ पर, जब यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहेगी, बहुत सारे लोग ऑर्डर देंगे तो। जबकि हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो वहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन विद इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, जो डिपार्टमेंट आपका है उसमें कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे कि आप डिपार्टमेंट में है परचेज डिपार्टमेंट में, आप हैं सेल डिपार्टमेंट में, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन होगा, और उसके अलावा कहीं और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा।